जय स्वामीनारायण। SSGM स्कूल CBSE मानकुआ रन्स बाय श्री सहजानंद गुरुकुल वेलकम्स यू टू ऑनलाइन एजुकेशन। आई एम शिवांगी मेहता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फिफ्थ स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर फॉरेस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर 9th चैप्टर। ओके, so in this chapter we are going to learn about forest। हम सभी को पता है कि forest जो है मतलब कि जो जंगल होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत information तो हम सभी के पास होती ही है, हमें पता होता है, लेकिन ये जो हमारा chapter है इसमें हम थोड़ी detail में information जो है वो collect करेंगे related to forest। so let's start from the introduction। Forests have trees growing in large numbers. The kind of trees that grow in a forest depend on the climate and the soil of the area. तो हमें पता है forest जो है उसमें बहुत सारी trees जो है, पेड़ जो है वो होते हैं, ठीक है। हर एक particular जगह पे कुछ टाइप्स के जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक ज़मीन पर, हर एक सॉइल पर सारे ही प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाए। कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है, कुछ प्लांट्स जो है वो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही ग्रो कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो है उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ट्रीज है, छोटे छोटे प्लांट्स है वो होते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो होती है। फॉरेस्ट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड होम टू वाइल्ड एनिमल्स। द ट्रीज प्योरीफाई द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। दे एड मॉइस्चर टू द एयर एंड हेल्प इन causing more rainfall. Roots of trees bind the soil together to prevent soil erosion and check floods. Forests give us products like wood, fruits, honey, fibers, resins, medicines that we use in our daily lives. तो हमें पता है कि forest में बहुत सारी trees होती है, ठीक है। तो हमने आगे के चैप्टर्स में भी देखा है कि ट्रीज़ जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, हनी जो है वो वहाँ से मिलता है, बहुत सारे प्लांट्स जो है उसमें से हमें मेडिसिंस भी हम बना सकते हैं, जो पेपर हम लोग लिखते हैं जिसके ऊपर वो भी ट्रीज़ में से ही बनता है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है, कौन, जो ट्रीज़ है वो। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो कहाँ पर होती है, फॉरेस्ट में होती है, ठीक है। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन वी विल मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट पीपल। तो ऐसे बहुत सारे अभी भी फॉरेस्ट है, ऐसे बहुत सारे जो जंगल है जहाँ पर कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जो मनुष्य की प्रजातियाँ हैं वो अभी भी जंगल में रहते हैं। हम सिटी एरिया में रहते हैं या टाउन में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन जो ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं वो वही के कल्चर को फॉलो करते हैं, मतलब कि जो मदर नेचर है उनको ही वो प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हीं के साथ वो जीते हैं। तो उसी से रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक, ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट पीपल, ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। ट्राइब्स और आदिवासीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको ट्राइब्स भी बोला जाता है
या हम उनको आदिवासी भी बोलते हैं। आदिवासी मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि जंगल में रहता है, और वो सारे ही जो आदिवासीज है वो उनकी जो लैंग्वेज है वो सेम होती है, कुछ वो साइन लैंग्वेज है या उनकी अपनी खुद की ही लैंग्वेज उन्होंने डेवलप की है, उसी में वो लोग बातचीत करते हैं। दे फॉलो द सेम कस्टम्स एंड लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। उनका जो कल्चर है, उनका जो कस्टम है वो सभी का सेम होता है, और वो उनका जो एरिया है रहने का, वो जहाँ पर रहते हैं वो भी नज़दीक ही होता है। दे जनरली लिव नियर फॉरेस्ट एंड सर्वाइव ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। द हेड ऑफ ट्राइब इज कॉल्ड अ चीफ। इनके अंदर क्या है कि पूरा जो एक ग्रुप है इनका एक हेड होता है, और वो जो हेड है उसको चीफ बोला जाता है। इन इंडिया ऑल ट्राइबल पीपल आर नॉन एज आदिवासीज। इंडिया में ऐसे सारे ही जो ट्राइबल पीपल है उनको आदिवासी ही बोला जाता है। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो इंडिया में स्पेशली कहाँ पर ये जो आदिवासीज है, कौन कौन से एरिया में वो पाए जाते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये सारी जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स में आदिवासीज जो है वो पाए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है। ट्राइबल पीपल कलेक्ट लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड बार्क्स ऑफ प्लांट्स। दिस आर देन यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल, रोप, मेडिसिन, ज्वेलरी एंड फूड एंड सोल्ड फॉर मनी। द मनी इज यूज्ड टू बाय इम्पोर्टेंट गुड्स लाइक क्लोथ्स, ग्रेन, ऑयल एंड स्पिसेस। Many tribes like the Dhanwar of Chhattisgarh and the Aurons of Bihar used forest products like bamboo and can to make products like basket, mats, animals, trap and gurus. तो ये जो आदिवासीज है, ठीक है, वो जंगल में ही रहते हैं, और वहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि फ्रूट्स है या फ्लावर्स है, उन्हीं को वो लोग यूज़ करते हैं। अभी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया है ये जो ट्राइबल पीपल का जो ग्रुप है उनमें, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो सारी ही नेचुरल चीज़ें होती है, कुछ ऐसे भी ट्रीज़ होते हैं जिनके लीव्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनमें से मेडिसिन भी बन सकती है, तो ऐसे जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, फ्रूट्स है या लीव्स है, इन सभी को वो बेचते हैं, और उससे जो पैसे उनको मिलते हैं उन पैसों से वो क्या करते हैं, उनकी जो उनके जीने के लिए जो ज़रूरतें, लाइवलीहुड के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है उन पैसों से वो ख़रीद लेते हैं, जैसे कि उनके कपड़े हैं पहनने के, या तो खाना बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, इन सारी चीज़ें जो है उनको वो खरीदते हैं इन पैसों से, ठीक है। सो, ये ग्रुप है आदिवासीज का जो कि मदर नेचर के साथ ही रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, और सिटी और टाउन एरिया जो है उससे वो बहुत ही अलग है। ओके, आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन जो है इसका क्या मतलब होता है, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल, ठीक है, तो डीफॉरेस्टेशन मींस कि आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप होती जा रही है, हम लोग जो फॉरेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी कुछ ज़रूरतों के लिए, जैसे कि वुड है, या तो जैसे हम आगे मैंने बताया मेडिसिन है, इन सारी चीज़ों के लिए
हम क्या करते हैं, जो पेड़ है, जो ट्रीज है, उनको हम लोग काटने लग जाते हैं। तो कहाँ से काटेंगे, बहुत सारी ट्रीज कहाँ पे हमें मिलती है, फॉरेस्ट में। तो कुछ लोग जो है फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों, अपने फायदे के लिए। मतलब कि फॉरेस्ट में से जो चीज़ें उनको मिलती है उसको पाने के लिए फॉरेस्ट को वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। या तो कुछ ऐसा इंसिडेंट, नेचुरल इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचता है, डैमेज होता है, उसको भी हम डीफॉरेस्टेशन बोल सकते हैं। इन शॉर्ट, डीफॉरेस्टेशन मतलब कि किसी भी तरह से जो फॉरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचे और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको डीफॉरेस्टेशन बोलेंगे। सो वी विल सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। द एक्ट ऑफ लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इज कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन। द नीड फॉर टिम्बर फॉर बिल्डिंग्स, फर्नीचर, पेपर एक्सेट्रा लीड्स टू रेकलेस फीलिंग ऑफ ट्रीज। डीफॉरेस्टेशन ऑल्सो ओकर्स वेन फॉरेस्ट आर कट टू सेटअप हाउसिंग कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज। सम ऑफ द फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ डीफॉरेस्टेशन आर, जैसे कि मैंने आपको बताया, डीफॉरेस्टेशन मतलब कि हम लोग जो हमारे पर्सनल यूज के लिए जंगल जो है उसमें जितने भी ट्रीज है उनको काटते जा रहे हैं उसको डीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। हमें हमारे घर बनाने हैं, कोई इंडस्ट्री जो है नई वो वहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ पे अगर उनको बिल्ड करनी है, तो ऐसे पर्सनल कामों के लिए जो जंगल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो पेड़ को काटा जा रहा है, उसको डीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज, मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम्स। जंगल में बहुत सारे एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स है, वो वहाँ पर रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। तो अगर हम सारे ही पेड़ काट देंगे तो ये एनिमल्स जो है उनका घर जो है वो डैमेज हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, तो वो सारे एनिमल्स कहाँ पर जाएंगे रहने के लिए। द ट्राइबल लूज देयर होम एंड देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो आदिवासी लोग जो है, जो कि जंगल में रहते हैं, उनके भी घर जो है वो नहीं रहेंगे, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। सॉइल इज लेफ्ट लूज फॉर इरोजन। ज़्यादा बारिश अगर होती है तो जो ज़मीन है वो, उसकी जो मिट्टी है वो पूरी ही बारिश के पानी में बह जाती है, उसको इरोजन बोला जाता है। तो अगर पेड़ रहते हैं तो पेड़ जो है वो सॉइल को की जो मिट्टी है उसको होल्ड करके रखते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो सारी ही मिट्टी जो है वो बह जाएगी। टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स गेट अफेक्टेड। इससे क्या होता है, जो पेड़ है वो बारिश लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर पेड़ नहीं रहे तो बारिश भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन ही नहीं होगा। ट्राइबल्स टुडे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फाइंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विच वर अर्लियर अवेलेबल टू देम ईजीली। पहले जो आदिवासी लोग हैं उनको ईजीली ये जो फॉरेस्ट की जो चीज़ें हैं वो मिल जाया करती थी, लेकिन अब उनको बहुत ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनके आसपास तो बहुत सारे फॉरेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो जो फॉरेस्ट है उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है किस तरह से कुछ लोग जो है वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पास्ट में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंदोलन भी किए थे। तो उसके बारे में डिटेल में हमें ये टॉपिक जो है इसमें बताया गया है कि फॉरेस्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय जो लोग कर रहे हैं उससे कैसे बचाया जा सकता है। तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
एंड होमवर्क में आपको सिर्फ नोट एक लिखनी है कि फॉरेस्ट जो है वो कौन कौन सी तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो ट्रीज़ है उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो चीज़ आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।